नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से एक वीडियो में। मित्रों, ये 5-1 का यानी 8 HP का हेड है जिसके अंदर हमने सीटें लगाई हैं। और देख लीजिए, ये हमने सीट लगा दी है पहले ही, क्योंकि हम उस समय वीडियो नहीं बना पाए। हम ये सारा प्रोसीजर आपको बताने जा रहे हैं, ये किस तरह से ठोकी जाती है सीट और किस तरह से सेट करते हैं। ये देखिए, ये सीट हमने ठोक दी है पहले ही। ये इस टाइप से ये सीट होती है डेकचून की, यानी कास्ट आयरन की सीट होती है। तो इसकी बराबर हम कटर से पहले हेड को काट लेते हैं, ये होल कर लेते हैं, फ्लैट कटर से काट लेते हैं और फिर ये हम टाइट सीट ठोक देते हैं। काफ़ी टाइट हम ठोकते हैं सीट ताकि ये घूमे नहीं। अब हम कटर से इसको काटेंगे, टेपर कटर से काटेंगे। ये इस तरह से, ये देखिए, ये बाल अभी ओवर है तो हम इसको अभी और बैठाएंगे। बैठाने के बाद हम ये काटने के बाद हम बाल को लेवल करेंगे। लेवल करने के बाद ही इसको ग्राइंड किया जाएगा। तो अब पहले हम इसको अच्छी तरह से बैठा लेते हैं वाल को। ये शीट से ओवर रहे नहीं रहना चाहिए वाल, यानी इसके जो हेड का फेस होता है इससे थोड़ा सा, ये देखिए अभी ओवर है, ये हमें थोड़ा सा फेस से भी डाउन रखना होता है। अभी वाल ये ओवर है तो अभी हम इसको और काटेंगे। ये कटर के माध्यम से हम इसको और काट लेते हैं अभी शीट को। तो ये देख लीजिएगा, इस तरह से हम काटेंगे, ये देख रहे हैं आप। अब हम इसके अंदर बाल लगा करके देखेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने काट लिया है लेकिन अभी भी ये वाल्व ओवर है। तो ये देख लीजिएगा, अब इस तरह से हमने ये इसको जांचा है। ये जो कालापन देख रहे हैं ये लगभग चारों तरफ बराबर है। और अब इसको थोड़ा सा फ्रेश कर लेते हैं ताकि हमारी सीट चारों तरफ बराबर आए और आपस में अच्छी तरह से मैच हो जाए। तो ये देखिए, ये बाल परफेक्ट हो चुका है और ये सीट भी ये चारों तरफ इसमें आ गई है। बाकी जो थोड़ा बहुत अंतर है वो हमारी एमरी से कवर हो जाता है। एमरी पेस्ट से हम इसको ग्राइंड करते हैं। ये देख लीजिए, इस तरह से एमरी पेस्ट लगा करके हम इसको ग्राइंड कर रहे हैं। तो ये इसकी सीट हमें मैच करानी होती है आपस में ताकि ये लीकेज ना हो। ये देखिए, अब हमने ये ग्राइंड भी कर दिया है एमरी के द्वारा। अब हमने इनमें लुब्रिकेटिंग ऑयल लगा करके अब हम इसको फिट कर देंगे। मित्रों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ये देख लीजिएगा, हम इस तरह से पाने से दबा करके कैप को, और दो लॉक होते हैं ये कटे हुए, तो इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं इस तरह से। अब ये देखिए, ये परफेक्ट हो चुका है। नमस्कार।